पहला वाटर टैंक अधूरा, 3 नए वाटर टैंक्स का ऐलान। लॉरेंस रोड पर बनने वाला वाटर टैंक पर पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जुही की नज़र। पंजाब हुकूमत ने वाटर टैंक की तामीर के लिए मुकम्मल फंड्स अदाना किए। 14 लाख गैलन की सलाहियत रखने वाले मनसूबों की कुल लागत 14 करोड़ 90 लाख रुपए थी। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 4 करोड़ रुपए जारी किए। बासा ने बाकी फंड्स के लिए महकमा PND को इस्तदा कर दी। कई सालों से तरक्कियों के मुंतजर डॉक्टर्स की सुनी गई। महकमा सेहत पंजाब ने रिकॉर्ड तरक्कियां दी। पंजाब सर्विस कमीशन के जरिए 855 भर्तियां की गईं। वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि 2018 में महकमा 50% खाली आसामियों के साथ काम कर रहा था। कलमदान संभालते ही तरक्की के मुंतजर डॉक्टर्स को तरक्कियाँ दी। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब को डिजिटल करने का मंसूबा ठप। 1.5 साल बाद भी मंसूबे पर काम शुरू ना हो सका। मंसूबे के लिए गुज़श्ता माली साल बजट रखा गया। मंसूबे के तहत DPI ऑफिस को मजीद इख्तियार दिया जाना था। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से मंसूबे पर काम नहीं हो सका। वज़ीर आला से डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और अहम मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मिज़ार मोहम्मद आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहते हैं कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवारों की कामयाबी शफाफ पाकिस्तान की जीत है। बढ़ते कोरोना केसेस, शहर में हफ्ता इतवार मार्केट्स बंद रहेंगी। शालम मार्केट में खरीदारों का रश लग गया। हुकूमती हिदायत के बावजूद कोरोना SOPs नज़रअंदाज। खरीदारों ने मास्क का इस्तेमाल किया, ना ही सामाजिक फासला अपनाया। बेशतर दुकानदार भी बगैर मास्क के दुकानदारी में मसरूफ। और दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की तैयारियां शुरू। कौमी क्रिकेट टीम के कजाफी स्टेडियम में डेरे, शाहीनों की प्रैक्टिस जारी। व्हाइट बॉल स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस में मसरूफ।